इतिहास रहा है। नमस्ते, म सुरेश पौडेल, कामाख्या मंदिर पुजारी। यो चाहिँ हाम्रो कामाख्या मंदिर परापूर्व काल देखि नै पूजा हुँदै आइराको पुरा यो पुरानो मन्दिर नै थियो, यसलाई चाहिँ रिनोभेसन गरेर अहिले चाहिँ नयाँ अलिकति रिनोभेसन गरेर चाहिँ ठुलो बनाएको। मैं सुरेश पौडेल, यहाँ कामाख्या मंदिर का पुजारी। किस जगह ये मंदिर स्थित है और कितनी मान्यता है इस मंदिर? ये पाल्पा का बसंतपुर में स्थित है। ये मंदिर परापूर्व काल देखि पूजन हो रहा है। इसका महत्व कामाख्या देवी, मतलब कामाख्या मन का इच्छा आकांक्षा सब कुछ पूरा करने वाली देवी है। ये गुवाहाटी और ये नेपाल का सेम मंदिर है, वहाँ से शिला ले आके यहाँ स्थापना किया है, इसलिए वहाँ जो वहाँ का इम्पोर्टेंस है, इधर का भी सेम इम्पोर्टेंस है। भारतीय पर्यटकों से क्या अपील करना चाहते हैं आप? भारतीय पर्यटकों से वहाँ जाने के लिए थोड़ा दिक्कत होगा तो इधर आइए, वहाँ जो जो माँ वहाँ है, यहाँ भी सेम माँ को उधर से ला के स्थापित किया है। परापूर्व काल से ही इधर पूजा आजा हो रहा है, इधर का इम्पोर्टेंस बहुत है। यहाँ जो आप इच्छा चाहते हैं वो पूरा होता है। इधर कहाँ कहाँ से श्रद्धालु आते हैं? आते इधर तो गोरखपुर से दिल्ली तक से भी आते हैं श्रद्धालु पूजा करने के लिए, माँ से आशीर्वाद लेने के लिए। थैंक यू। अच्छा, कितने लोग यहाँ पे आते हैं, कितनी आस्था है इस मंदिर की और क्या मान्यता है? यह मान्यता कामाख्या के आस्था है, वो बहुत ज़्यादा है। कितने लोग आते हैं दिन में दर्शन करने? दिन में 400-500 लोग आते हैं। अच्छा, ये जो पीछे आप खड़े हैं, ये माता का मंदिर 100 साल पुराना बताया जाता है? यहाँ 100 साल पुराना, ये शक्तिशाली पीठ है पहले से। कितनी मान्यता है लोगों की? क्या दुर्गा माता के यहाँ साक्षात दर्शन भी होती है। अच्छा, अब रोपवे बनने से या जो केबल कार चलने से कितना लोगों का जो टूरिज्म है वो बढ़ा है? बहुत बढ़ा है। कितना बढ़ा? कितने लोग ज़्यादा बढ़ गए? 1000 बढ़ गया। अच्छा, सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री से लोग आते हैं? हिंदुस्तान भी आते हैं, हिंदुस्तान दिल्ली पंजाब वहाँ से भी आते हैं, हरियाणा से। मैंने पूछा है कहाँ से आए, बोल के पंजाब से आए, लुधियाना से बोले थे, कोई जोधपुर से बोले थे, लोग आते रहते दर्शन करने। पंजाब से, दिल्ली से भी आए, करोड़बाग से।